क्यूबिक पॉलीनोमियल। पिछले क्लास में हम लोग जो है पॉलीनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो है उसमें पढ़े थे इस टॉपिक को कि रिलेशनशिप जो है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जो जीरोस होता है और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट इन सब का जो कोफिशियंट है उन सब के बीच में रिलेशनशिप पढ़े थे। आज के टॉपिक में हम लोग एक क्वाड्रेटिक के जगह पे क्यूबिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है उस क्यूबिक पॉलीनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। मान लेते हैं एक पॉलीनोमियल px दिया हुआ है, px is equal to ax to the power 3 plus bx square plus cx plus d। और इस पॉलीनोमियल का जीरोस जो है वो अल्फा बीटा और गामा है। लेट इट्स जीरोस बी अल्फा बीटा एंड गामा। मान लेते हैं इनका जीरोस जो है अल्फा बीटा और गामा है। अगर अल्फा बीटा और गामा इसका जीरोस है इसका मतलब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा ये तीनों इसका फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि x इज इक्वल टू अल्फा पुट करने पे ये पूरा पॉलीनोमियल इक्वल टू जीरो हो जा रहा है। मतलब x माइनस अल्फा से अगर इस पॉलीनोमियल को हम डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। x माइनस बीटा से डिवाइड करें या x माइनस गामा से तो ये पूरा पॉलीनोमियल एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब वो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा जो है वो इसका फैक्टर्स है, आर फैक्टर्स ऑफ px। px पॉलीनोमियल का फैक्टर है। अगर ये इस px पॉलीनोमियल का फैक्टर है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए एक्स टू द पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस ग्राम। ये तीनों का प्रोडक्ट जो है वो इसके बराबर आना चाहिए। यहाँ पर एक कांस्टेंट के ले लेते हैं, उसके बाद जो है ये एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर होना चाहिए। सॉल्व करते हैं आगे, दिस इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये जो पॉलीनोमियल था हमारा ए एक्स टू द पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इसको जो है हम लोग फैक्टर्स के फॉर्म में लिखे थे कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, और इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलता है के एक्स टू दी पावर 3 माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x और लास्ट में माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा। ये इसको एक्सपेंड करके लिखने के बाद जो है अब अगर हम लोग कंपेयर करते हैं
अगर लाइक टर्म्स को इक्वेशन के दोनों तरफ जो लाइक टर्म्स है उसको अगर हम कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू के, ये एक वैल्यू मिलेगा, और दूसरा b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। थर्ड टर्म c इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के। C is equal to K into alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, और last D is equal to minus K alpha beta gamma, ये देखें। अब इन सबको एक एक करके इक्वेट करके सॉल्व करते हैं। यहाँ हमको k का वैल्यू जो है वो मिलता है k इज इक्वल टू a, ये एक सॉल्यूशन मिल गया कि k का वैल्यू जो है वो क्या होगा, a के बराबर होगा। नेक्स्ट सेकंड टर्म में हम लोग जो है वो k का वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, b इज इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तरह से आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को निकालें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय के आता है, माइनस बी बाय ए जो आता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है उसको लिखा जाता है सम ऑफ जीरोस, और माइनस बी क्या है, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर थ्री, ये जो है वो किसका कोफिशियंट था, एक्स टू द पावर थ्री का। तो ये एक रिलेशनशिप मिल गया हमको सम ऑफ जीरोस एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये जो टर्म है हमारा c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको सॉल्व करते हैं तो c इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है अगर हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इज इक्वल टू आएगा c बाय a। c बाय a का मतलब क्या हुआ, तो c हमारा होता है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है लेकिन किसका, तो दो जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम, दो जीरोस को एक साथ लेकर के जो प्रोडक्ट आएगा उन सब का सम करना है, और इसका वैल्यू कितना के बराबर आता है, सी कोफिशियंट ऑफ एक्स बाय ए कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, इस तरह से आएगा। उसके बाद फिर जो है लास्ट हम लोग देख लेते हैं ये जो हमको d के बारे में दिया गया था, d इज इक्वल टू k इंटू अल्फा बीटा गामा, यही वैल्यू आया था, यहाँ पे माइनस था, माइनस k अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे k का वैल्यू पुट करते हैं d इज इक्वल टू माइनस k इंटू अल्फा बीटा गामा, देन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए हो जाएगा, और माइनस डी बाई ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी बाई ए को लिखेंगे प्रोडक्ट
ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर हो जाएगा? माइनस डी, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर थ्री। तो इस तरह से हम लोगों को जो है रिलेशनशिप मिलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं रिलेशनशिप क्या क्या मिला। सबसे पहला रिलेशनशिप जो है वो हमारा है सम ऑफ जीरोस, और ये सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आया? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर थ्री। ये फर्स्ट सम ऑफ जीरोस का एक रिलेशनशिप मिला। उसके बाद फिर दूसरा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम। ये दूसरा रिलेशनशिप है हमारा, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर थ्री। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप आया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? तो माइनस कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर थ्री। ये तीन जो है वो रिलेशनशिप है कांस्टेंट, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। नेक्स्ट हम लोग जो है टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक है इक्वेशन फॉर्म करना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। वैसा क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना जिसमें उसका जीरोस दिया हुआ है। मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो हमको वो पॉलिनोमियल अब फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस अल्फा बीटा और गामा है। तो उसके लिए एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में बस वैल्यू पुट कर देंगे। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर थ्री माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इस फॉर्मेट में जैसे अल्फा बीटा गामा मालूम है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल करके हम यहाँ पुट कर देंगे, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा फाइंड आउट करके उसको पुट करेंगे, और यहाँ अल्फा बीटा गामा के प्रोडक्ट को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो पॉलिनोमियल आएगा उस पॉलिनोमियल का अगर हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं तो हमको अल्फा बीटा और गामा